A very good morning to all of you. This is Hartaj from UCareers Academy. What I'm going to do is I'm going to be recording the CDS2 2021 paper. A lot of you have done 30 questions, 40 questions, but I think so easily this paper could have made you do 60 questions. What I'm going to do is I'm going to do step by step different sections. Suppose data interpretation ka section, sabse pehle main wo karna chahunga. Uske baad main t ratios karna chahunga. Uske baad main arithmetic karna chahunga. And I want to tell you ke first hour mein aap aram se 60 questions ya 40, 50 questions kaise kar sakte the. Data interpretation ke liye kya important hai? Percentages important hai. Aapko pata hona chahiye fractions kya hoti hai. 1 by 1 kitna hota hai, 100% 1 by 2 kitna hota hai, 50% 1 by 3 kitna hota hai, 33% 1 by 4 kya hota hai, 25% 1 by 5 kya hota hai, 20% 1 by 11 kya 9.09%. Agar aapke fractions yaad hai to ye bahut easy chapter hai, bahut easy topic tha. 8 questions the iske. Hum kya karenge ab ye 8 questions solve karenge. I'll do these questions step by step for you. Agar aapne nahi, I'll show you these questions. Aapka objective kya hai in questions ko padhna aur in questions ko karna. उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ, see how do I do it. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. The following pie chart shows the percentage of different categories A, B, C, D employees in the year 2019 and 20. ये 2019 के employees हैं, 2020 के employees हैं. 2019 में एक employees, एक category के employees कितने हैं 20, एक category के कितने हैं 22%. और आपको पता है 2019 में कितने employees थे 4000 और आपके 2020 में कितने एम्प्लॉयज हैं 5000. ये आपका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का. ये टोटल एम्प्लॉय परसेंटेज 100% ही रहेगा, दोनों में 100% है. और ए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 2019 में कितने थे 20%, ए कैटेगरी 22% एम्प्लॉयज. क्लियर. अब हम क्वेश्चन करते हैं. देयर टू कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 हुज टोटल स्ट्रेंथ रिमेन द सेम इन 2020. What are these categories of employees? वो बोलता है C and B. C and B together are, हम पहले कर लेते हैं, 20% कितना होता है 8000 का 400, 6% कितना हो जाएगा आपका 240, 400, 600, 22% आपका हो जाएगा 880, 27% हो जाएगा, 25% हो जाता है आपका 1000 और उसके अंदर 2% ऐड कर दिया और 1080. सिमिलरली ये सिंपल तरीका, 22% कितना हो जाएगा 1100, 10% क्या हो जाएगा 500, 11% 550, 9% 450, 21% कितना हो जाएगा आपका 1050. अब आपने सोचा होगा मैंने कैसे किया, बहुत सिंपल है. 20% पहले तो 10% 5000 का कितना होता है, 5000 का 10% कितना होएगा 10 कम यहां से, 20% क्या हो जाएगा 1000, 1% क्या हो जाएगा 50, तो 1050. आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते. अब 5000 है, 5000 का 25% निकाल लेते हैं, वो आपको इजी आएगा. इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा 2500, 25% इसका आधा 1250. और 2% आपको पता है 1% कितना आपके पास 50, तो 2% 100, तो ये क्या हो गया 1350. अब ये बोलता है कौन से दो एम्प्लॉय सेम रहे. अगर मैं सी एंड डी करूँ कितना हो जाता है 600 प्लस 400 1000 हो जाएगा आपके पास सी एंड डी. और सी एंड डी इसमें कितना हो गया, ये भी 1000 हो गया, तो कितना आंसर है सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर. जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 2019 और 2020 में सी एंड डी कैटेगरी के कितने रहे 1000. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय द परसेंटेज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2020 वाज मैक्सिमम एज कंपेयर टू 2019. ए था आपके पास 800 और कितना हो गया 1100, दैट मींस 300 बाय 800 व्हिच इज 3 बाय 8 which is 37.5% fraction. A by B, B का देखते हैं. B 240 था, 500 हो गया, तो increase क्या हुआ 26 upon original number क्या हो गया 240. अगर आप देखोगे A की बात करूं, पहले 800 था, अब कितना हो गया 1100, तो increase कितना हुआ 300 by 800, इसका 240 से 500, तो increase क्या हुआ 260 किस पे हुआ 240 पे. ये of course 100% से ज़्यादा है, ये तो पता लग रहा है. फिगर सी देख लेते हैं. फिगर सी था 400 और यहाँ पे फिगर सी है 550, तो 150 बाय 400 ये सुनो, इसको 15 बाय 4 लिख सकते हैं. अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 30 बाय 8 और 37.5. डी की बात करें, डी कितना था 600, अब कितना हो गया डी 450, तो ये डिक्रीज हुआ है, ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया आपका ब्रावो. सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किसके इंक्रीज हुए हैं, बी के. What is the percentage increase of category E employees in 2020 as compared to 2019? 2020 में कितने थे 1350, पहले कितने थे 1080, तो increase कितने हुए
270 by 1080 divided by original number होता है. इसको divide किया 1 by 4 कितना हो गया आपका 25% हो जाएगा आंसर. क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. There are two categories of employees whose strength increases by same. अब हमने देखा है दोनों में, ये देखो A and C 37.5. What's my answer? A and C. So अगर आप पहले ही, अगर मैं आपको genuinely बोलूं, अगर आप पहले ही इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, that's the best way of going about it. तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following bar chart given the production of three cars X, Y, Z from 2014 to 2018. अब मैं ये जो हंड्रेड है इसको 100 नहीं कंसिडर करूंगा. इसका मतलब है X cars कितनी प्रोड्यूस की 300, Y कितनी हुई 200, Z कितनी हुई 500. That's what it means in 2014. 2014 की बात करें, अब cars कैसे इंक्रीज हुई हैं. अगर ये है 3, ये है 2, ये है 5, कितना हो गया 10. 2018 में कितना हो जाएगा आपके पास 7, 5 and 8, 20. सो 10 से कितना हो गया 20, इंक्रीज कितना हुआ 100%. You have made it more difficult for yourself. जब आपने क्या किया, आपने इसको hundreds लेने की कोशिश करी. It's hundreds है, common है, काट दो, that's not important. Consider the production of each company separately. In how many instances were the percentage increase production of years more than the previous year's production greater than? Consider the production of each company separately. अब हमारे पास तीन companies थी X, Y, Z. वो बोलता है उनकी 20% ज़्यादा होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंपनी, ये तीन थी, यहाँ पे कितनी है 4, 1/3 क्या होता है 33%, तो ये तो होगी x की. एक बार हम एक 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 करके करते हैं 3/4, ये तो होगी 1/3 इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीज हमेशा किस पे होता है पुराने पे. 4 से 5 हुई, दैट मीन्स 1/4 वो क्या होता है 25%. 1 से 5 हुई, ये तो 20% हुई. उसने बोला मोर देन 20%, तो x कंपनी तो दो बार होगी. अगर हम बात करें आगे, ये सब 1-1 का इंक्रीज है, तो ये तो नहीं होएगा. क्लियर? तो X कंपनी दो बार इंक्रीज हुई. Y की बात करते हैं, Y पहले थी 2, अब कितनी होगी 3, 1/2 50%, 1/3 33%, फिर ये तीन बार हुई, Y तीन बार हुई. क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगी, अगर आप ये देखोगे ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, 25%. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रोडक्शन सेम रही 2017 2018, तो वाई कितनी बार हो गया 3 बार. अब हम जेड की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जेड. जेड वाज 5, इट रिमेन 5, नाउ इट बिकम्स 1/5, सो दैट इज नॉट मोर देन 20%, दिस इज 1/6. अगर ये देखो ये 600 था, ये 700 हुआ, तो इंक्रीज क्या हुआ 1/6. ये क्या होएगा 6 से 7, तो इंक्रीज हुआ 1/6, ये भी नहीं हुआ. तो सिर्फ x और y इंक्रीज हुए कितनी बार 5 times. In which year the percentage increase in production of cars was maximum as compared to previous years? किस year सबसे ज़्यादा maximum production हुई as compared to previous years? Percentage पूछा है कि नहीं पूछा? Yes, percentage पूछा है. तो आप आधों ने ये question percentage नहीं पढ़ाएगा, तो हम एक simple तरीके से वापस 3 + 2 + 5 कितना था 10. अब क्या हो गया 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12. 2/10 कितना होता है 20%, ये तो नहीं हुआ. 5 + 4 + 6 ये कितना हो गया 15. 3/12 कितना हुआ 25%, ये 20%. अब इसकी बात करते हैं, ये आपके पास कितना हो गया था, as I said 5 + 4 + 6, यहाँ पे आपके पास 15 है, यहाँ पे आपके पास, to make it easier for you, ये 10, 12, 15. पहले हम सबको ऐड कर देते to make it easier for you. 6 + 5 + 7, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 7 + 5 = 12, 12 + 8 = 20. यहाँ पे अगर हम बात करें अब इंक्रीजेस की, किसका हुआ यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ 20%, क्यों 2/10. यहाँ पे इंक्रीज हुआ 3, 3/12 कितना होता है 25%. यहाँ पे इंक्रीज क्या हुआ 3/15 विच इज अगेन 20%. यहाँ पे इंक्रीज क्या हुआ 2/18 विच इज 1/9 विच इज 11.11%. सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ आपका 25% जो हुआ है आपका 2016 में. इज इट क्लियर ना? तो आपका सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ है 2016 के अंदर इंक्रीज हुआ है. इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स इज मैक्सिमम एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स. तो अगर
आपको ऐसे सेट फिर से आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना होता है। आपने कुछ नहीं करना होता, इसको 4, इसको 3, इसको 5, 4 + 3 7, 7 + 5 12, ये 5, ये 4, 9, 9 + 6 15, ये 12 ऑलरेडी था, 15 था तो इंक्रीज किया हुआ 3 by 12, 3 by 12 क्या होता है 25%। 6 + 5 11, 11 + 7 18, यहाँ पे कितना हुआ एक का इंक्रीज, यहाँ पे एक, तो दिस इज 2 by 18 विच इज दिस, तो आपका आंसर है 2016। अगर हम आगे बात करें, इन वन ऑफ द ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार वाज मिनिमम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, दैट इज 11 by 9%, बिकॉज अभी हमने निकाला है 1 by 9 क्या होता है 2 by 18 इंक्रीज हुआ 1 by 9 विच इज 11.11, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ 2016 में। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज प्रोडक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो है 2016। तो आपको ये सब आंसर्स एक सेकंड के अंदर हो सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन आता हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अहेड आस्क मी अबाउट इट, कोई भी, आई हैव टेकन टाइम टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग के साथ 1 मिनट लगा इस क्वेश्चन को, तो एक्चुअल में इफ यू नो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लेस देन अ मिनट एंड यू कुड हैव फिनिश्ड दिस इन 5 मिनट्स इटसेल्फ। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग विद सीरीज ऑफ गिविंग यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सॉल्विंग इट अप फॉर यू एंड टेलिंग यू हाउ द शॉर्टकट्स आर टू बी applied. Wishing you all the best. And if you like this video, please go ahead, subscribe us, because I'll be sharing such more videos for you. Thank you.